जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 31 जुलाई 2022 को हेल्ड करवाया था। हम लोग जनरल स्टडी क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होता है, अर्थात कि एक गलत पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है उसका 1/3 काट लिया जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए जितना कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिलीज किया गया है। हमारे जो 75 हम लोग अमृत जो महोत्सव मना रहे हैं 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट के, उसी के उपलक्ष्य में एक तरफ इधर कुछ जो नेम है जिसमें कि रानी अंबिका है और इधर स्टेट है, इसमें हमें नॉट करेक्टली मैच करना है। रानी अंबिका कर्नाटका से है जबकि मतांगनी हसारा ये गुजरात से नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि वेलू नाचियार ये तमिलनाडु से है, इसलिए ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर, मतांगनी हसारा गुजरात से नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स डी इस डबल आईज इंडिया के बारे में पूछा गया था, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। स्टेटमेंट वन गलत है कि RBI नॉमिनेट्स सर्टेन इंश्योरर्स इज डी इस डबल आईज, सो ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि स्टेटमेंट टू और थ्री सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाएगा, यदि आपने स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ये एक बर्ड का नाम है और उसी के बारे में ये पूछा गया है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है किसके बारे में कहा गया है। हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि और इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप पूरे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए। ये एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर, ये भी एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा। UPSC के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस कुछ देखने को आपको मिल सकते हैं, इसी तरह के UPSC में भी पूछा जाता है उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इसमें भी तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट हमें चूज करना है, केवल स्टेटमेंट थ्री जो है वो सही है कि टाइट ऑयल इज ऑल्सो नॉन एज सेल ऑयल, जबकि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ई रूपी के बारे में दिया गया है, तीन स्टेटमेंट है और इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ई रूपी इज अ वाउचर टू फैसिलिट कैशलेस पेमेंट, यस 2021 में ई रूपी लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, यह एक तरह का वाउचर ही है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टू है ये गलत है, जबकि स्टेटमेंट थ्री जो है ये सही है कि NPCI दैट मीन्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड बैंक दैट विल बी द इशूइंग अथॉरिटी फॉर ई रूपी वाउचर, सो स्टेटमेंट वन एंड थ्री आर करेक्ट, सो आवर ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी जो है इसमें भी कहा गया है, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है उसके बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वही पूछा गया है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रिसेंटली इनएक्टेड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, इनहैंसिंग द अपर गेस्टेशन लिमिट फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीमेन, यस ये स्टेटमेंट सही है। द अपर गेस्टेशन लिमिट इज नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फोटल एबनॉर्मेलिटीज डायग्नोस्ड बाई द मेडिकल बोर्ड, एंड थर्ड इज द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव हैज बीन एक्सटेंडेड टू वीमेन एंड देयर पार्टनर, तीनों स्टेटमेंट सही है। ये भी एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के बारे में पूछा गया है, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन इज द फर्स्ट एवर UN ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन अ कॉमन अप्रोच टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन इन ऑल इट्स डायमेंशंस, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि स्टेटमेंट दो जो है वो गलत है। GCM दैट मीन्स ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन इज लीगली बाइंडिंग, नो दिस इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग। जनरली इस तरह के जो भी अप्रोच होते हैं या इंटरनेशनल इस तरह की जो भी चीज़ें कन्वेंशन वगैरह आती हैं वो जनरली लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। न्यूयॉर्क डिक्लेयर्स इज एसोसिएटेड विथ GCM, यस स्टेटमेंट वन और थ्री करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सीमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस,
दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, द थीम ऑफ सीमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इज कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ओके, तो सीमीकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर इंडिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेना होगा, करेंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिससे कि सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, और खासकर इसमें सिलिकॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि उसी से जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है RODTEP स्कीम, और कौन सा स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, RODTEP इज अ WTO कंप्लेन स्कीम दैट रिप्लेस्ड इन द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन डी है। इसको देखना होगा डिटेल्स में, एक बार डिटेल्स में भी हम लोग इसको देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि उसमें चूंकि इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देख रहे हैं तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो एक बार में हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसको अलग से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख लीजिए, अदर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाई द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम शो ये कोऑर्डिनेटिंग विथ इंटरनेशनल प्राइवेट साइबर एजेंसी। ये इसका काम नहीं है और इसमें ना काम पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, वेज एंड मींस एडवांसेस, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, वन और टू सही है जबकि तीन गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। दिस अमेंडमेंट सीक्स टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यस ये सही स्टेटमेंट है। इट अलाउज स्टेट्स टू मेंटेन अ सेपरेट स्टेट लिस्ट फॉर एसी बीसी रिजर्वेशन, दोनों स्टेटमेंट सही है। मैंने इस पर एक डिटेल्स वीडियो बना रखा है, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं 100 से लेकर 105 तक, और अदर जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उन पर भी मैंने वीडियोस बनाया, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए एक बार, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, RU-AB-200 अ कोएक्सियल रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन टू बी यूज्ड एज अ म्यूल ड्रोन फॉर अ हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस बाय द इंडियन आर्मी इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DRDO's ADE and Indian Institute of Technology, find the correct one below. तो वो जो Indian Institute of Technology है कौन किया है, तो IIT कानपुर ने किया है, तीन लोगों ने इसको RU-AB बनाया है, एक तो HAL, एक DRDO का जो ADE है वो, और IIT कानपुर। With reference to स्वामित्व स्कीम consider the following statement. जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश में होता है, उर्दू या हिंदी में नहीं होता है। स्टेटमेंट 3 इज ओनली करेक्ट, सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। देख लेते हैं कि स्वामित्व स्कीम जो है वो क्या है। इट एम्स टू अलाउ सिटीजन्स टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के बारे में पूछा गया है, तीन स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट 1 गलत है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो, जबकि स्टेटमेंट 2 और 3 जो है सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सिरूर मुत केस जजमेंट ऑफ 1954 व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट सही है। द अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज बेस्ड एट पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड द CINCAN इज अ 3-star रैंक ऑफिसर फ्रॉम द 3 सर्विसेज इन रोटेशन हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन न्यू दिल्ली, यस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क approved by the Geological Survey of India is located in Lamhetha, Madhya Pradesh. This is a current affair question. Option A correct answer. India's first geological park is in Lamhetha in Madhya Pradesh. Option A correct answer. Question number 19, assertions region based questions hai. Question number 19 jo hai assertion kar raha ki in Ashoka's time very
घोष वॉज रिप्लेस्ड विथ धम घोष. यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रीजन इज आफ्टर अशोका सेड टू द थ्रोन अशोक फाउट अ मेजर वॉर कॉल्ड द कलिंग वॉर. यस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा ए को. शो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 मैच करना है. सो वेलान वागी दिस इज अ लैंड गिफ्ट टू नन ब्राह्मण पीजेंट. साला भोग इज अ लैंड गिफ्ट टू स्कूल. देवदत्त लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल. एंड पाली चंदम लैंड गिफ्टेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. यह भी काफी टफ क्वेश्चन माना जाएगा हिस्ट्री का. इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ये अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 21 इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज ओनली वन सुल्तान हु वॉलंटरली एब्डिक्टेड हिज थ्रोन एंड मूव्ड टू अ स्मॉल टाउन अवे फ्रॉम दिल्ली. व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू दिस कंटेक्स्ट. शो आलम शाह ऑफ शायद डायनेस्टी. इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक था, जो 5 डायनेस्टी का कंबाइंड फॉर्म था दिल्ली सल्तनत, उसमें एक ऐसा सुल्तान होता है जो वॉलंटियरी मतलब कि अपने मन से वो दिल्ली से एक स्मॉल टाउन में चला जाता है, तो उसका नाम है आलम शाह ऑफ द सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी का आलम शाह है वो. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुशानास. तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. द फाउंडर ऑफ कुशाना डायनेस्टी वॉज कटफिशियस वन. यस सही है. कटफिशियस प्रथम ने कुशाना जो एम्पायर है उसको या डायनेस्टी जो है उसको एस्टेब्लिश किया था. ऑप्शन स्टेटमेंट वन करेक्ट है. द कुशाना वर्ड द ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब. यस एंड द इशूड गोल्ड क्वाइन विद द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड. बोथ ये ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन द टाइम ऑफ द ब्रिटिश. हेयर फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट. शो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स. कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश्ड कोर्ट ऑफ सर्किट विच वर फॉर्म्ड टू डील विद सिविल केस ओनली. नो विलियम बेंटिंक एवलाइज्ड सर्किट कोर्ट. यस स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा गया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में क्या क्या हुआ. शो ट्रीटी ऑफ सालाबाई. यस आयरे कोर्ट डिफीट हैदर अली एट पोर्ट नोवो. यस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. बट ट्रीटी ऑफ सेरी रंगपट्टम जो हुआ था ये 1799 में हुआ था और ये लॉर्ड वेलेजली के टाइम में हुआ था. वेलेजली के टाइम में हुआ था 1799 में. ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में नहीं हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट थ्री गलत है. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 द संगम लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स नेम्ड नैरेटिव एंड डाइडेक्टिक. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें फाइंड करना है. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. द नैरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड पिलान कू और 18 माइनर वर्क. दोनों स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है. विथ रेफरेंस टू द गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म मारू एंड पनी किला डिनोट्स लैंड क्लासिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 27 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुगल पीरियड पेंटिंग. दशवंत एंड बशावन वर टू ऑफ द फेमस पेंटर ऑफ अकबर कोट. यस ये स्टेटमेंट सही है. जबकि ड्यूरिंग द शाहजहां रेन मुगल पेंटिंग रिच देयर जेनिथ. नो ये शाहजहां नहीं है, ये जहांगीर के टाइम पीरियड पर जो मुगल पेंटिंग थी वो जेनिथ यानी कि अपने सबसे चरमो उत्कर्ष यानी कि ऊंचाई पर थी. सो हेयर ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बिकॉज वी नो दैट दशवंत एंड बशावन वर टू ऑफ द फेमस पेंटर ऑफ अकबर कोट. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ओनली वन इज करेक्ट आंसर. द अर्ली मेडिवल संत भाषववाना बिलोंग्स टू वीर शिवा ट्रेडिशन. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. काफी फेमस क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 29 द आइडिया स्वदेशी एंड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. द इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक ऑफ द स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन विच वॉज प्रेसिडेड बाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी. नो नेशनल कांग्रेस स्वदेशी बनारस में लिया था जो 1905 में हुआ था दिसंबर में. बट सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट नहीं थे बनारस सेशन के. यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे. स्टेटमेंट वन फॉल्स है. द मूवमेंट वॉज प्रेसिडेंट ओवर बंगाल बाई सैयद हैदर रजा. नो दोनों स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू लेक्स लॉकी एक्ट 1850.
प्रोवाइड राइट टू इनहेरेंट प्रॉपर्टीज टू हिंदू कन्वर्स टू क्रिश्चियनिटी। ये काफ़ी एक फेमस था जो कन्वर्शन से रिलेटेड था। ये भी एक रीज़न था 1857 के रिवोल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि जो हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाएंगे लोग, उनको उनके हेरिडिटी यानी कि उनके अपने पिताजी से प्रॉपर्टी लेने का राइट रहेगा। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था एक्ट लेस लॉ की, जो कि डायरेक्ट हमारे रिलीजन पर हमला था, क्योंकि अंग्रेजों का मेन मकसद था वो कन्वर्शन करना, हिंदुइज्म और इस्लाम से लोगों को क्रिश्चियन बनाना। इसीलिए ये लैक्स लॉ की एक्ट आया था, जिसका की विरोध हमने 1857 के क्रांति में किया। क्वेश्चन नंबर 31, मैच करना है एंशियंट साइट और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। लोथल एक डोकयार्ड है, कलीबंगा लॉग फील्ड मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, धौलाबीरा एन इंस्क्रिप्शंस कंप्राइज 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट एंड मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है वो यहाँ से मिली है ब्रॉन्ज, और हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कांस युग्नी सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था और जो डांसिंग गर्ल है वो ब्रॉन्ज से ही बनी है। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर ए स्टेटमेंट बिलो। तीन स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य इज अ मेजर सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ मौर्यनेस। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इन्फॉर्मेशन गिवन इन इंडिका बाई मेगास्थनीज इज सप्लीमेंटेड विथ अर्थशास्त्र। यस, दोनों जो है वो मौर्यन जो अम्पायर है उसको जानने में काफ़ी मदद करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट 3 जो है, द अर्थशास्त्र डज नॉट कंटेन एनी रिफरेंस टू द मौर्यास देयर अम्पायर चंद्रगुप्त और पाटलिपुत्रा। ये भी स्टेटमेंट ये सही है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 हो गया, ये तीनों सही है। अर्थशास्त्र में मेनली जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बारे में बात किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाटलिपुत्रा और चंद्रगुप्त से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिका में दिया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट से 3 टेक्स्ट डिड शंकराचार्य कॉल्ड प्रसन्न त्राई। ओके, शंकराचार्य कॉल्ड प्रसन्न त्राई। सो उपनिषद, भागवत गीता एंड ब्रह्मसूत्र, ये तीनों टेक्स्ट को मिलाकर शंकराचार्य जो हैं वो इसे प्रसन्न त्राई कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 34, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पूछा गया है। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना। यस, ये सही स्टेटमेंट है। इट एसर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। यस, एंड द क्रिश्चियन मिशनरी वर अलाउड टू इंटर इंडिया, और इनको छूट दे दिया गया कि जाओ अब जितने सारे लोग हैं उनको क्रिश्चियन बनाओ। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, हमें मैच करना है यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी जो अर्थ सरफेस में है उसको लेकर, मोहरोबियन डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच वाले पोर्शन को, ये जो है ये मोहरोबियन डिसकंटिन्यूटी है। उसी तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल के डिसकंटिन्यूटी को, इसको रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और लोअर मेंटल और आउटर कोर के पास जो है इसे हम लोग गुटेनबर्ग या वाइचेट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और फाइनल जो है आउटर और इनर दोनों के बीच वाले डिसकंटिन्यूटी को लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये मैच करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, स्ट्राइक, स्लिप फॉल्ट, फिगर दिया गया है, कौन सा मैच करेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन से बेस्ट क्वेश्चन है। द पीरियड 1550 टू 1800 हैज बीन कॉल्ड द लिटिल आइस एज। यस, और रीजन, द ग्लेशियर ऑफ द माउंटेन्स ऑफ यूरोप रीच देयर मोस्ट एडवांस्ड पोजिशन सिंस द बिगनिंग ऑफ द पोस्ट ग्लेशियल एपोक। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और ए जो है उसका एक्सप्लेनेशन आर कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग मार्जिनल सीज, मार्क 1, 2, 3 and 4 एंड गिव मैप। यहाँ पर जो दिए गए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, इसको मार्क का करना है कि कौन सा ये है। इसका सही आंसर जो ए है, यानी कि अपना ये लैपटॉप सी है, लैपटॉप सी है,
दिस इज बार्नेट सी, उसी तरह से है। सही इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको देख लेना होगा। आइडेंटिफाई लोकेशंस ऑफ क्लाइमेट मार्क्ड ऑन हाइपोथेटिकल कंडीशन, सवाना को कौन कर रहा है, स्टेपी को कौन कर रहा है, ब्रिटिश को कौन कर रहा है, मेडिट्रियन को कौन कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ये 0, 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 नॉर्थ के बारे में दिया गया है, तो सवाना जो क्लाइमेट होता है वो कहीं 30 और 45 के बीच में होगा, 30 और 45 के बीच में, सॉरी 30 और 45 नहीं, सबाना जो है वो 10 और 30 के बीच में होगा। और यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये है मेडिट्रियन क्लाइमेट और ये है ब्रिटिश 45 से 60 वाले के बीच में, और स्टेपी जो है वो अपना ये स्टेपी हो गया 30 से 45। तो इसको देख लेना होगा इसका कोऑर्डिनेशंस। आइडेंटिफाई द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया गिवन बाय कोपेन, कोपेन क्लाइमेट को रट जाना होगा कि कौन सा मैच कर रहा, कौन सा एरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, डिटेल्स में एक बार इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, वर्टिकली अरेंज द फोटोइक लेयर्स ऑफ द ओशन। वर्टिकली हमें अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब इस तरह से हो गया। तो सबसे पहले ईपी पैलेजिक आएगा, फिर मेसो पैलेजिक, फिर बाइथो पैलेजिक और हाइडो पैलेजिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फ्लोइंग वेदर फिनोमिना इज आर हैव काम लो प्रेशर एट द सेंटर एंड सिलेंड्रिकल क्लाउड विथ हैवी रेन अराउंड इट। चार स्टेटमेंट हैं, तो एंटी साइक्लोन को छोड़कर हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन्स ऑल आर रिलेटेड टू काम लो प्रेशर एट देयर सेंटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द टेक्सचर ऑफ सॉइल रेफर्स टू साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कंपोजिंग द सॉइल। लूम इज अ सॉइल इन विच नो वन ग्रेड डोमिनेंट्स। द कलर ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड विद द एड ऑफ म्यूनसेल कलर चार्ट। ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, एशर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और आर जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, आईपीसीसी लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बारे में लेकर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि आईपीसीसी जो रिपोर्ट है वो कहता है, इसमें एक्चुअली नॉट करेक्ट पूछा गया है, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, कुछ ले ये ला है मतलब कि कुछ पासेज हैं और वो किस स्टेट से गुजरते हैं या किसको कनेक्ट करते हैं, तो खुंजेर जो है ये लद्दाख और सिकियांग को जोड़ता है, लंका ला ये लद्दाख को लहासा से जोड़ता है, लिपू लेख जो है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, सॉरी ये लेखा पानी जो है, सॉरी लेखा पानी और लिपू लेख जो है, लिपू लेख ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये अपना सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द मेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन, यानी कि सबसे बड़ा कौन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये ईस्टर्न घाट है ये वाला, और ये वेस्टर्न घाट है, और ये नीलगिरी है जहां पर कि दोनों मिलते हैं, और वेस्टर्न घाट कुछ आगे तक बढ़ा हुआ है, तमिलनाडु तक बढ़ा है, और जिसमें कि सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुडी है, फिर ऊटी है, दोदा बेटा और फाइनली पुष्पगिरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी टफ क्वेश्चन माना जाएगा कि हाइट पूछ दिया गया है। इफ द टाइम ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन इज 12 AM मिडनाइट, व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। ये ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच से ईस्ट में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है और वेस्ट में जाते हैं तो टाइम घटता है, तो यहाँ पे 12 बजे वाला जो रात है वो हो रहा है, तो हमें 30 डिग्री वेस्ट में जाना है। 1 डिग्री में 4 मिनट का फासला होता है, तो 30 डिग्री में 30 × 4 यानी कि 120 मिनट का फासला होगा। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटा पीछे होगा, तो 2 घंटा पीछे होने का मतलब 10 PM हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
49 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया था, अराल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिट्रेनियन सी है। इसका लोकेशन हमें जान लेना होगा, ईस्ट टू वेस्ट के तरफ, इधर से इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ईस्ट के वेस्ट के तरफ आना है हमें। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर, जब मैप देखेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फ्लोइंग ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो भारत रत्न डेकोरेशन वाले सबसे पहले हो जाएंगे, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर अटॉर्नी जनरल और फिर चीफ स्टाफ ऑफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल। याद कर लेना होगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, थर्ड नंबर पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चौथे नंबर पर गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री क्लोजर मोशंस एंड देयर डेफिनेशन। ओनली 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन यूपीएससी ने स्टार्ट किया और यहां पर भी पूछे जाने लगे, तो हो सकता है कि जो अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, इसको डिटेल्स में अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बाद में इसको डिटेल्स में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स लिंडब्लॉम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट। अनलाइक द राज्यसभा चेयरमैन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट सस्पेंड अ मेंबर विदाउट अडॉप्टिंग अ मोशन फॉर सस्पेंशन। ये गलत है, लोकसभा का जो स्पीकर है वो सस्पेंड कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट वैसे गलत है, इसको डिटेल्स में एक बार और जानेंगे। तो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फ्लोएड एज अ कन्वेंशन। सो दिस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूज द मेजोरिटी ऑफ द लोअर हाउस। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, एक तरफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी दी हुई है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी का मतलब होता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन, इसमें इंडिपेंडेंस जुडिशियरी का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, कि ये यहां पर जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का मतलब हो गया जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में ऑर्डिनेंस निकालते हैं, गवर्नर स्टेट में ऑर्डिनेंस निकालते हैं, ये इसका मतलब है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नहीं होते हैं, जबकि बोथ हाउसेस ये, इसमें पूछ रहा कि करेक्ट कौन है, इलेक्टेड ये नहीं होते हैं, इसमें पूछ रहा कि करेक्ट कौन है, डू नॉट पार्टिसिपेट। सो डू नॉट पार्टिसिपेट जो है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग नहीं होते हैं यहां पर पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्टेड हैं, लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा में भी इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं, जो 12 नॉमिनेटेड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और स्टेट असेंबली के ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, काउंसिल के पार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में तो काउंसिल है नहीं। तो ये जो है करेक्ट है, ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि अदर जो है वो फॉल्स है, क्योंकि नॉमिनेटेड होते ही नहीं है, नॉमिनेटेड जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट ही तो उन्हें नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नो, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्चुअली इसमें पूछा गया, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं, सब गलत हो रहा था अभी तक। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डू नॉट पार्टिसिपेट। तो देखते हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट, नहीं ये गलत हो गया, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर यानी लोकसभा राज्यसभा में
कि जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, ये गलत हो गया। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी गलत है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी गलत है। जबकि इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी लेजिस्लेटिव, ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट सही है और तीन स्टेटमेंट गलत है। और हमसे यही पूछा गया था कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, तो ये तीनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसी में करेक्ट पूछा गया था, तो ये तीनों जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। तो ओनली थ्री स्टेटमेंट जो हैं वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से भी अब क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछना स्टार्ट किया, और जस्ट उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा लेती है और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है वो। क्वेश्चन नंबर 58, सर्टेन रीजन है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर द लोकेशन ऑफ द सीट इन द सुप्रीम कोर्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। जबकि स्टेटमेंट 2 सही है, सीजेआई कैन अपॉइंट अदर प्लेसेज इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। पर्शन और ओथ के बारे में उसका पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। सीजेआई ओथ और अफर्मेशन, यस, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं, अटॉर्नी जनरल सीजेआई नहीं करते हैं, ओके, ये प्रेसिडेंट ही होंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी गलत है। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट सही, आप इसको सही कर, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ही करते हैं, ओथ और अफर्मेशन बिफोर। तो इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्ड कैबिनेट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड इन 1978 बाई द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस, ये स्टेटमेंट कौन सही है, ये गलत है। 62, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग पोलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफर, शो मोन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही है और ए आर जो एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, मैच करना है कि कितने इसमें मैच कर रहे हैं, करेक्टली करना है। तीन पेयर इसमें मैच कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 8 में लैंग्वेज है, सही है। डिवीजन ऑफ पावर 5 में नहीं है, ये 7 में है, तो ये इस तरह से गलत हो गया। सीट एलोकेशन राज्यसभा और ओथ एंड प्रोफेशन, तो 1, 2 और 4 सही है, इसलिए तीन पेयर सही हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से काफी डिटेल्स में क्वेश्चन पूछा गया, ये देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, केवल और केवल स्टेटमेंट 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, एसर्शन और रीजन पर ही बेस्ट क्वेश्चन है, केवल ए ट्रू है, आर फॉल्स है। एडिशनल टीयर 1 के बारे में पूछा गया था, काफी टफ क्वेश्चन था। इन इंडिया द ब्रॉड मनी, जिसको कि M3 के भी नाम से जाने जाते हैं, मेजर्स मनी सप्लाई इज द सम ऑफ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में पूछा गया था इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड, स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, मार्केट ऑपरेशन, शेयर मार्केट ऑपरेशन के बारे में है ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, केवल स्टेटमेंट 1 और 2 इसका सही है, करेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों स्टेटमेंट गलत, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो नीदर 1 नॉर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग रिगार्डिंग सॉरेन बॉन्ड, तीनों स्टेटमेंट सही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कई बार इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट पूछा गया था, स्टेटमेंट 1 केवल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, GDP से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन पूछे गए थे, स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड सबबर्ग, सुपरबर्ग दैट इज यूज फॉर ऑयल डिग्रेडेशन, शो स्यूडोमोनस पुटिडा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑन लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड आर क्वेश्चन, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बोथ स्टेटमेंट ए आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन करेक्टली ए। द इक्वेशन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन डिस्क्राइब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 78, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसका। बेंथिक रेफर टू द फ्लोर ऑफ सी एंड बेंथोज रेफर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव देयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एसर्शन रीजन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, द प्रोसेस ऑफ परमाफ्रोस्ट ग्लेसिएशंस डिफ्रोस्टिंग एंड डीग्लेसिएशंस आर नॉन एज क्रायोजेनिक प्रोसेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और कोएलिशन ऑफ 50+ कंपनीज
मुगर्स कोएलिशन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. लाइकेन इज एग्जांपल ऑफ म्यूटलिज्म ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाई इज कॉल्ड साइकोफिली ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. बैक्टीरिया विच हेल्प इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज स्यूडो मोनस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 85 डिजीज और माइक्रोब्स के बारे में पूछा गया है. इसमें भी पेयर्स मैच कराना है कि कितने जो पेयर्स हैं वो सही हैं. तो ओनली थ्री पेयर्स, चार में से तीन पेयर्स सही है, इसको देखना होगा. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वैक्सीन एक तरफ है और एक तरफ टाइप है. ऑल पेयर्स मैच ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 87 करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था. डिफरेंस बिटवीन ऑगुमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 88 प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में पूछा गया है. दोनों स्टेटमेंट सही है कि क्लोरीन किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट इट डज नॉट इफेक्ट स्प्रोस एंड हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस वायरस. ओजोन रिमूव्स ऑल क्लोरीन एंड इनएक्टिव वायरस वेरी क्विकली ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89 दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है. क्वेश्चन नंबर 90 रिसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया था. दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट से रिलेटेड पूछा गया था. जैसे खरीफ क्रॉप आर मोर ससेप्टिबल टू पेस्ट इज अगेंस्ट रबी क्रॉप्स. यस, ये क्वेश्चन सही है. इसको डिटेल्स में एक बार हम लोग देखेंगे. स्पेस मिशन और एजेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट से. आदित L1 हम लोग इसरो के द्वारा भेज रहे हैं. ओनली वन पेयर मैच है, अदर जो है वो गलत है. आदित्य जो है हमारा मिशन वो सन के लिए है. क्वेश्चन नंबर 92 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93 5G टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है. स्टेटमेंट 1 और 2 जो है ये सही है सबकी. स्टेटमेंट 3 जो है गलत है. 5G मेनली वर्क इन 3 बैंड्स नेमली लो मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड द लो बैंड स्पेक्ट्रम हैज शोन ग्रेट प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ कवरेज एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड डेटा एक्सचेंज. द मैक्सिमम स्पीड इज लिमिटेड टू 100 Mbps. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 94 नन फंजाइबल टोकन के बारे में पूछा गया था. करेक्ट शो केवल स्टेटमेंट 1 सही है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 95 असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल रेन ड्रॉप हिट द अर्थ सर्फेस विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है. और ए जो है ये ए का एक्सप्लेनेशन भी यार कर रहा है, इसको देखना होगा. क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 97 जो है assertion और reason वाला ही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट वेन द आर्टिफिशियल सेटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट शो एंगुलर मोमेंट. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 99 अ ब्रेथ टेस्ट यूज बाई ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस पोटासियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड को चेक किया जाता है पुलिस के द्वारा कि आदमी ड्रंक है या नहीं. क्वेश्चन नंबर 100 विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन सो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस. हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से हम लोग एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2022 की प्रीलिम एग्जामिनेशन हुई थी वो सिमिलर लाइन है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन पूछती है जिस पैटर्न पर. ये अपने 100 क्वेश्चन हुए, आंसर की देख लेते हैं जो कि जेके पीएससी के द्वारा दिया गया था. ये प्रोविजनल आंसर की है. क्वेश्चन नंबर और आप सीरीज, तो ये अपना आंसर की है, एक बार देख लेते हैं इसको. स्क्रॉल कर दे रहा हूं मैं कि बाय द वे कभी हो तो ये पता चल जाए हम लोगों को. जनरल स्टडी पेपर सेकंड का भी हम लोग आंसर की देख लेंगे जब हम लोग जनरल स्टडी सेकंड वाला जब हम आंसर की देखेंगे तो. सो थैंक्स एंड टेक केयर.